हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ हिस्ट्री में। सो आज मैं जा रही हूँ गांव, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि वहाँ पे गृह प्रवेश के लिए अखंड रामायण पाठ होने वाला है। सो हम लोग घर से निकल चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग कितना सारा सामान है। तो इसमें सामान होने की वजह से हम और छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि मेरी देवरानी की बेटी है और बहुत क्यूट है, मेरे साथ ही रहती है ज़्यादातर। सो ये मेरे साथ है, और दीदी का बेटा पापा और मेरे हस्बैंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो गांव पहुंच के मैं अपने गांव दिखाऊंगी अपना, और अभी थोड़ा रास्ते को एंजॉय करिए। गाइस, ये है लल्ला जी, ये भी चल रहे हैं हम लोग के साथ गोसाईगंज। और गोसाईगंज क्यों पड़ा इसका नाम, ये पापा जी बताएंगे आप लोगों को। सो अभी मैं पापा जी से आपको मिलवाती हूँ। सो पापा, ये गोसाईगंज नाम क्यों पड़ा है? अरे गोसाईगंज, यहाँ गोसाई का वो था, रजवाड़े के स्टेट का था जी। यहाँ पर उन लोगों काफी जमीन जायदाद थी, तो वो अपना यहाँ काफ़ी लोगों का बसाया, इसलिए वो गोसाईगंज नाम पड़ा। गोसाई कौन होती है बताइए, गोसाई कौन होते हैं बताइए? गोसाई कास्ट जो होते हैं, वो कास्ट मेटिक सामान जैसे हिंगुर हुआ, हिंग हुआ, और दान पुण्य देने वाला जो महाराजा लोग दान वान देते थे, जैसे शंकर भगवान के पूजा पाठ में जो चढ़ावा होता था वो गोसाइयों को दान देते थे, रुपये पैसा भी दान देते थे। अच्छा अच्छा, सो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गोसाईगंज के पीछे का क्या मतलब है। और हम लोग बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और अपने न्यू घर में जा रहे हैं हम लोग। सो वहाँ पहुंचती हूँ और आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगी, अपने देवरानी से मिलवाऊंगी, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनसे मिलवाऊंगी, बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, ये है मेरा न्यू होम, ये देखिए ये पूरा बना हुआ है, और कल है गृह प्रवेश। सो चलिए आपको मिलवाती हूँ अम्मा से, जो मेरी सासू माँ की देवरानी है। ये है अम्मा। ठीक हो अम्मा, तबीयत ना ठीक बा? तो अम्मा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो मैं अभी अंदर चलती हूँ, बच्चा पार्टी जा रहा है अंदर की तरफ। सो मैं घर पहुंच गई हूँ, और मैं मिलवाती हूँ अपनी देवरानी जी से। वो है देवरानी जी, और ये है उनकी बेटी रागिनी, जो कि मेरे से बहुत प्यार करती है, और बहुत दिन से ये मेरे को बुला रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। देवरानी जी हाय करिए। सो हम लोग घर पे, सब लोग खाना वाना खा लिए हैं, पापा आराम करें, बच्चा पार्टी गेम खेल रहे हैं, और हमारे जो देवर जी हैं वो लिस्ट लेके बैठे हुए हैं कि चले सामान लेके आते हैं, तो वो इस मौके को नहीं गंवाना चाहते हैं कि भाभी के साथ ना जाए, इसलिए वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उनके साथ जाऊँ। तो मैं भी ये सोच रही हूँ, चलती हूँ गाँव में, थोड़ा घूमती हूँ, दुकान देखती हूँ, और फिर देखिए सब लोगों को। ये दो बच्चे इधर है, अच्छा मतलब ये दोनों गेम खेल रहे हैं, उनके पास मोबाइल नहीं। नानू का मोबाइल कहाँ गया है ये? अच्छा, तो आगे की अपडेट में थोड़ी देर बाद दूंगी। तो हम लोग पिछले 3 घंटे से 10 किलो फूल का माला बना रहे हैं। अभी तक मैं आपको दिखाती हूँ कितना हम लोगों ने माला बनाया है। ये यहाँ पे रखा हुआ है, और दीदी कुछ कहना चाहती हो? 4 बार चुप चुका है। हाँ, दीदी को 4 बार सुई चुप चुकी है, और बच्चा पार्टी भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। सो घर में पूजा है, तो सबका पूरा सहयोग है।
सो गाइस यहाँ हो गई है शाम माला बनाते बनाते, और अभी भी फूल बचा हुआ है, माला हम लोग को बनाना है। तुम लोग थक गए थे, सोचा क्यों ना चाय पी लिया जाए, तो सबके लिए चाय बना था और सब लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं और मैं अभी किचन में हूँ। सो चलते हैं बाहर और देखते हैं सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये मेरे पति खड़े हुए हैं, ये उनके पापा जी हैं, और ये जो चश्मा लगा के बैठी हैं वो उनकी भाभी हैं, और ये जो लेडी हैं वो मेरी देवरानी जी हैं, और ये देवर जी हैं, और ये बगल वाला वाइट कलर का जो घर दिख रहा है वो मेरा है। तो अभी मैं देवरानी जी के घर पे हूँ और अभी मैं अपने घर पे जा रही हूँ, देखूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। हुआ है वो दो फ्लोर का है, नीचे मैंने आपको दिखा दिया है, ये ऊपर का फ्लोर है। और सो इसमें रूम डिवाइड नहीं किया गया है, इसमें डायरेक्ट हॉल बना दिया गया है, क्योंकि नीचे में एक रूम बनाया गया है और ये केवल हम लोग आएंगे तो यहाँ पे एंजॉय करने के बेस से ही बनाया गया है कि गांव में भी रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है वॉशरूम, ये है किचन, और ये है टेरेस का रास्ता। सो ऊपर में अंधेरा है तो अभी जा नहीं सकती, बाकी की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। सो गाइस हम लोग निकले हैं गोसाईगंज के मार्केट में, और हमारे घर बहुत सारे खाना बचा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा रात में कुछ लाइट बनाते हैं। तो वो जो ब्लू कलर की दीदी जा रही है, मतलब ब्लू कलर के कपड़े में जो दीदी जा रही है, सो वो बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा कढ़ी बनाती है, तो लोगों ने कहा कि दीदी के हाथ का कढ़ी खाया जाए, तो इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं दही और बेसन लेने। तो सोचा क्यों ना थोड़ा मार्केट भी देख लिया जाए गोसाईगंज का। तो ये है मार्केट, और अभी हम लोग लेंगे फटाफट दही और बेसन। तो गाइस इसी रूट पे मेरी बड़ी सासू माँ का घर है और चाचा जी का घर है। तो ये है, ये आगे वाला चाचा जी का घर है, बड़े पापा जी का घर है जो कि कॉस्मेटिक का शॉप है। इसके अपोजिट में शिव जी की मंदिर, ये हनुमान जी की मंदिर है। ये है रेलवे ट्रैक, ये देखिए गाइस, ये है हमारा रेलवे ट्रैक, और हम लोग आ गए हैं बस माता रानी का मंदिर है, और जस्ट इसके बगल में यहाँ माता रानी की चुनरी मिलती है, और हम लोग यहाँ से चुनरी लेंगे कल चढ़ाने के लिए, और झंडा भी लेना है। सो हम लोगों ने सोचा पहले चुनरी ले लेते हैं, उसके बाद लेंगे दही और बेसन। तो ये है मेरी देवरानी जो है बार्गेनिंग कर रही है, 50 रुपए वाली दिखाइए। तो माता रानी के लिए हम लोगों ने ये वाली चुनरी सेलेक्ट की है, ये वाला 5 का ऐसे पीस होते हैं, हाँ होते पीसेस होते हैं ना चॉकलेट्स वाले, ऐसे स्क्वायर से भी। दीदी हम भी खाएंगे, सबको एक नहीं देंगे, सब नहीं नहीं निकाल देंगे, हाँ स्लाइस कितना हुआ, एक और ले लीजिए। आ गए हैं इस शॉप पे जहाँ पे हम लोग को बेसन भी मिल गया है, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। सो आज के लिए, सो आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।